ने कहा था कि बीजेपी पिछली बार 25 सीटें लड़ी थी, 25-26 बीजेपी का हक तो बनता ही बनता है। और एमबीए के आपके जो पार्टनर है उनका भी ये कहना है कि हमारे कैंडिडेट हर सीट में मोदी जी है, ऐसा ही हम समझ के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी भी चर्चा है कि जो आपके जो अराइज है एनसीपी, अजीत पवार, शिंदेगढ़, इनसे भी कुछ लोग जो है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ कि शिंदे जी के लोग ये शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, एनसीपी के लोग उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, हमारे लोग हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। हम में ये निर्णय पक्का हुआ है कि एक एक सीट का असेसमेंट करें, कहाँ कौन चुनकर आता है, केवल सीटों का नंबर बढ़ाने के लिए ना, बीजेपी को इतनी सीट चाहिए करके सीट दे दो, शिवसेना को इतनी सीट चाहिए करके दे दो, एनसीपी को इतनी सीट चाहिए करके नंबर दे दो, इससे हमारा नुकसान है। तो इसलिए हमने पहले तत्वतः इस बात को मान्य किया है कि हम लोग असेसमेंट लेंगे, जहां जो जीत कर आ रहा है वो सीट लड़ाएगा, अब नंबर्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी पिछली बार जो सीटें लड़ी थी उससे या उससे ज्यादा भी सीटें लड़ सकती है। अभी जल्दी ही आपके सामने फैसला हम दे देंगे कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। क्या होता है, ये बातों से फिर विवाद बढ़ता है, उसके ऊपर फिर उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, हम लोग सीटें बांट कर ही आपके सामने आ जाते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र में एमबीए की बात करूं तो सीट शेयरिंग को लेकर उनमें भी अभी तक कुछ खास नहीं है, और वो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लेना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि वंचित अगर साथ में आ जाए तो आपके लिए कुछ चुनौती होगी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी पार्टियां सीट शेयरिंग करेगी कैसे, वो भी उनके सामने प्रश्न है। और सबसे महत्व की बात यह है कि आज लोगों ने मन बना लिया है मोदी जी के साथ जाने का, और मेरा यह विश्वास है कि इस लोकसभा के चुनाव में कैसे भी अलायंसेस तैयार हो जाए, महाराष्ट्र में और देश में लोग मोदी जी के साथ जाएंगे।